कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती मनाएंगे परम शांति को पाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे परम शांति को पाएंगे, कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। वंदनीय संत समाज, उपस्थित निर्चिर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवियों, प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर साहिब का जीवन दर्शन यहाँ पर आप सब संत भक्तों के द्वारा सुने हैं। वह कैसा सुने हैं आप सब? जैसे सब्जी में नमक डाला जाता है, बहुत थोड़ा सा, उसी प्रकार से यदि सद्गुरु कबीर साहब के संपूर्ण जीवन दर्शन जानना चाहें, कबीर जयंती क्यों मनाई जाती है, तो सद्गुरु कबीर साहब के अमर वाणी बीजक का अध्ययन करें। जीवन अनमोल निकला जा रहा है, घड़ी पल मिनट होते होते हमारा संपूर्ण जीवन का समय मौत की ओर जा रही है। पता नहीं मौत कब आ जाए। जिस दिन माँ के गर्भ में या शरीर का निर्माण हुआ, उसी दिन से मौत रूपी बिल्ली यमराज है, बिल्ली की तरह हुआ भी लग गई है। अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं, इसलिए यहाँ पर जो बैठे हुए हैं संत भक्त, गृहस्थ विरक्त, नर नारी, बालक और वृद्ध, यदि सद्गुरु कबीर साहेब के पारक सिद्धांत जैसे बच्चे प्रश्न कर रहे थे, पारक किसे कहते हैं, अमोदी के श्री डोमार गौटिया के नाती का नाम पारक है, उन्होंने पूछा साहब जी मेरा नाम पारक क्यों रखा गया है, पारक किसे कहते हैं। पारक, सद्गुरु ने कहा कि जाते सकलो परखिया, सो पारख निज रूप, तहां होय रहु स्थिर तू, नहीं जाई भ्रमकूप। जिससे सबको परखा जाता है, जाते सकलो परखिया, सो पारख निज रूप, किससे परखा जाता है, अपने आत्म तत्व के द्वारा, अपने चेतन आत्मा के द्वारा। आत्मा निकल जाए शरीर से, ये शरीर दो कौड़ी का भी नहीं है। लोग कहेगा अभी समय है, अभी तो 3 बजने जा रहा है, अभी बहुत समय है, कल तक रखना उचित नहीं है, आज ही दाह संस्कार हो जाना चाहिए। वो जो आत्म तत्व का ही कीमत है, दादी दादा, मम्मी पापा, माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा, गुरु शिष्य का कीमत है, तो उस आत्म तत्व का है, वही पारख है, उसी को परखना, उसी को समझना है विवेक ज्ञान के द्वारा। तो जाते सकलो परख या सो पारख निज रूप, सबका रूप
ये बाहर का जो रूप है दुनिया वालों का है, बाहर के रूप ये चमड़ी का रूप देख करके हम समझते हैं मेरे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दादी दादा है, मित्र है, गुरु संत है, ये चमड़ी का रूप। लेकिन ये चमड़ी का रूप निरंतर बदलता है, रोज रोज बदलता है। शिशुपन, बालकपन, किशोरावस्था और रूप नहीं है आज, आज बुढ़ापा आ गया, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। रूप बदलता है, लेकिन रूप रहित जो आत्मा है उसका कोई रूप नहीं है, वही तुम्हारा स्वरूप है, असली स्वरूप, उसको जानना है। शो पारख निज रूप, तहां होय रहू स्थिर तू, वहां सब कोई चित्त को जोड़ना है, अपने चित्त है बाहर भटक रहा है। यदि शांति लाभ चाहिए, इसी जीवन में निर्वाण चाहिए, मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए, तो थोड़ा सा अपने रूप की ओर लौटो। इसी जीवन में सब काम करते हुए जैसे माता है सब काम करती है, बच्चा को नहीं भूलती है, उसी प्रकार से हम, हमारा असली रूप कौन है, भीतर में है, भीतर में है, जो मैं कहता है। एक ने पूछा, अभी अभी आश्रम में ही आकर के पूछा, साहब जी इसका भाव क्या है। वो है, पूछने वाला कौन है, डॉक्टर मनहरन लाल जी के सुपुत्र है, इधर पलारी गया था अपनी बहन के यहाँ, वहाँ से लौटा, यहाँ पिकनिक मनाए सब लोग, अपने लोग भोजन बनाए, खाए पिए, सत्संग किए, बहुत अच्छे ढंग से फुल फुल समय लेकर के आए। उन्होंने कहा, जहाँ हूँ तहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है मैं ना ही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समाही। साहब जी समझ नहीं आता है, हाँ का क्या है और हरि क्या है। मैंने बताया उनको, उन्होंने कहा इस प्रकार से नहीं समझ पाया था। तो हाँ कहता है प्राणी और पदार्थों को, ये शरीर को सत्य मान करके, ये सब मेरा है, यही हाँ, जहाँ मैं था मेरापन ये होता है, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे यह समा आश्रम का विकास लोग कहते हैं साहेब ने बहुत किया, साहेब के ने किया, मैं कहता हूँ मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हुआ है, ये गुरु कृपा है और भक्तों की सहयोग है। गुरु कृपा और भक्तों के द्वारा इस आश्रम का विकास हुआ है। मैं तो केवल निमित्त मात्र, एक चौकीदार की तरह लोग आते हैं और जाते हैं, बस निगरानी करना है, बस इतना ही है। लोग देते हैं उसका व्यवस्था करना है, जैसे अभी ला करके दिया श्री राम नरेश जी ने, उसकी बड़ी बहन का नाम है स्वर्गीय श्री कुमारी साहू, जो भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने स्मृति में 10,000 रुपया कबीर आश्रम को दे करके गई है। उसको उनके भाई ने, उनके पुत्रों ने ला करके यहाँ दिया कि माता जी के नाम से भवन निर्माण है, 10,000 रुपया कबीर आश्रम सकरी को दान है। तो ये माध्यम है, अब इस पैसा मुझे मिला है, मुझे कहाँ लगाना है, जहाँ दिया है उसके अनुसार लगा देना, और कुछ भी नहीं। जो आप लोग मुझे देते हैं उसमें से एक पैसा भी मेरा नहीं है, बस 2 रोटी खा रहा हूँ और 1 धोती पहन रहा हूँ, बस इतना है जीवन रहते तक। बाकी जो कुछ भी मिलता है सब समाज का है, समाज सेवा में। यही भावना हम और आप सब लग जाएं, संत हो, भक्त हो, माता बहने हो, सब लग जाए। क्यों लगे, हरि का चिंतन करें, मेरे जीवन में हरि है, वो हरि मैं की सत्ता से, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूँ वही हरि है,
मेरा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। हमारे साथी संत श्री शोभासरण साहब चले गए। उन्होंने अपने जीवन में हम दोनों का कहा जाता है, हमारे साथी ये कहता है, ये दोनों लंगोटिया यार हैं, यार दोस्त हैं। हम दोनों का भेष एक साथ हुआ था, एक साथ घर छोड़े भी थे और 2 वर्ष हमसे आगे थे। वे हमसे हमेशा, ये इनका बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने धन संग्रह किया और हमारे यहाँ के भक्तों लोगों ने, एक दोनों जने कहे, साहब को जो मिलता है सब खर्च कर देते हैं, कुछ ब्याज देना चाहिए। मैंने कहा कि ब्याज दूंगा आज तो ब्याज में 3 रुपया बढ़ेगा, तो आज यदि मैं ब्याज ना देता हूँ तो वो पैसा आज मैं दे दिया। जैसे मकान बना सामने और सामने बना महिला भवन, मेरे पास कुछ रुपया बचा कार्यक्रम के बाद में इकट्ठा हुआ, आप लोगों ने दिया। वो मैंने शरण को बुलाया और कहा ये पैसा है मेरे पास, कुछ रुपया बचा है, ये पैसा तुम ले जाओ। ले गया और 100 बोरी का सीमेंट का बिल काट करके दिया, उस समय 85 रुपया था और आज 85 नहीं 285, अब आप बाद में 320 हो गया। तो क्या मैं ब्याज देता तो उतना रुपया मिलता? कभी नहीं मिलता। तो इस प्रकार से मैं तत्काल खर्च कर देता हूँ, जमा नहीं, मेरे पास नहीं। और जो रख है, ये भक्त और संत सभी जानते हैं, जो कुछ है चाहे बैंक में रहे चाहे मेरे जेब में रहे, जो कुछ है सब के प्रकाश में है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, 2 रोटी 1 धोती चाहिए, वो समाज के द्वारा मुझे मिल रहा है, उसके अलावा जो कुछ मिलता है समाज सेवा, क्योंकि मैं गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, गुरु जतन यही जीवन को अंतिम समझना, अंतिम समझना। और घलवे का चीज है, कौन चीज घलवे? घलवे कहते हैं पुरौनी, रोटी धोती और छाया तुम्हें मिला है और जितना समय जियोगे वो घलवे पुरौनी में मिलेगा, उसके लिए एक पैसा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मिलेगा, सब लोग आकर के तुम्हें देगा, तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और आज 18-20 साल हो रहा इस आश्रम में, कभी भी किसी के घर में दरवाजे में आज नहीं गया हूँ, कोई भी बता भी सकते हैं। हमारे यहाँ तो आए थे साहब चंदा मांगने के लिए, तो भवन निर्माण के लिए, तो अमुक के लिए, कोई भी कह सकता है, लेकिन आज 20 साल हो गया। इतना जो प्रकाश है आप सबके कृपा है, आप सबके दया है। अभी इस कार्यक्रम में कबीर जयंती का जानकारी आप सबको मिला, जैसे मिला एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर के, एक अज्ञात व्यक्ति ने, उसका पुत्र खत्म हो गया था कुछ दिन पहले, उसके स्मृति में 10,000 रुपया ला करके दिए, 10,000 रुपया ला करके दे दिए। कबीर जयंती मना रहे हैं साहेब, तो मेरे पुत्र के स्मृति में उस खर्च कर देना। दूसरे व्यक्ति आकर के, मैं नहीं जानता हूँ, वह बलौदा बाजार के पास सकरी है, सकरी से रूपचंद जी, कुसुम देवी, पुत्र अमित कुमार और तुषार जी बलौदा बाजार के पास सकरी से आकर के 5,001 रुपया ला करके दिए। और यहाँ भी आकर के हमारे महत्तर मास्टर जी 500 रुपया दिए, स्वर्गीय माता जामिन बाई जो चपरित निवासी है और थनवार जी है उसके स्मृति में सेवक राम जी दिए, रूपदास जी जरोदा के तरफ से मिला, जीवन लाल जी गढ़सिहनी के तरफ से, हरिश्चंद जी उड़ान के तरफ से और कई लोगों के तरफ से। आज के कार्यक्रम में मुझे एक पैसा कहाँ से आएगा, ये खर्च कबीर जयंती मना रहा हूँ, सोचना नहीं पड़ा, लेकिन आप लोग ला ला करके देते हैं। तो इस प्रकार से गुरु कृपा से और आप सबके दया से ये सत्य मार्ग में
हरि का भजन में आप सब भी लग जाएं, जहां छोड़ दो, मेरा पना छोड़ दो, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, तो किसके लिए जोड़ोगे? ये साधु लोग भी बैठे हैं, संतों से भी निवेदन है, अर्जी है और विनती है, आप सब भी साधु मार्ग में आए हैं तो सद्गुरु कबीर के रास्ता पर चल रहे हैं, कनक और कामनी से काफ़ी कोसों दूर हो जाइए। छो साधु वेश है तो कनक और कामनी में से काफ़ी कोसों दूर होकर के सत्य का भजन में लग जाएं, आत्मा में लग जाएं और इसी जीवन में निर्वाण को प्राप्ति कर लें। ये निर्वाण प्राप्ति के लिए इसलिए सद्गुरु कबीर और सद्गुरु अभिलाष देव के जो पारक सिद्धांत का बोध हम सबको मिला है, तो कबीर जयंती के उपलक्ष्य में हम सब संकल्प लेकर के जाएं, अपने घर में बीजक का अध्ययन करेंगे। यहाँ बीजक है, मूल बीजक, बीजक व्याख्या सद्गुरु अभिलाष देव के, और नए परा आश्रम में वहाँ से आप लोग जा कर के ले करके आ सकते हैं। 24 घंटा में मात्र एक घंटा दो घंटा ही समय निकालिए, बाकी समय अपना शरीर की रक्षा में, धन कमाने में सब कुछ लगिए, लेकिन घंटा दो घंटा हरि के भजन में लगिए। तो हरि के भजन में लगने के लिए शुद्ध पारक ज्ञान, आत्मज्ञान, विवेक ज्ञान में हरि भजन में लगिए। और इसके अलावा आप लोग कहीं भी भटकेंगे, केवल ठोकर खाएंगे और 84 से आज तक जन्म मरण के चक्र में भटकते हुए आ रहे हैं, वो भटकाव भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए कबीर जयंती के अवसर पर हम सब संकल्प लेकर के जाएं, और समय ज़्यादा हो चुका है, भोजन भी करना है और संतों के आरती पूजा होगी, और तत्क्षण ही भोजन की व्यवस्था तैयार एकदम, यहाँ सबको बैठना है, उधर रामदम बैठना है, ये दरी उड़ जाएगी और हमारे साथी लोग चटाई तुरंत बिछा देगा, और भोजन करके ही तब जाएंगे यहाँ से। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ यहीं पर, बोलिए सद्गुरु देव की जय। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडित वेद न पावे पार, वेद न पावे पार। परम पूज्य श्री साहेब जी के आशीर्वचन श्रवण किए। एक छोटा सा निवेदन आप सबसे, निवेदन नहीं आमंत्रण है, ग्राम गढ़ सिवनी में कबीर जयंती आगामी 3 जून को दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है, और इसमें कबीर साहेब की जयंती और स्वरूप लीन सदगुरु श्री क्षमा साहेब जी मुस्तफाबाद वाले की श्रद्धांजलि भी शामिल किया गया है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री अवध साहेब जी कबीर आश्रम कोलियारी से, एवं परम पूज्य श्रद्धेय संत गुरु जतन साहेब जी कबीर आश्रम सकरी से उपस्थित रहेंगे। आप दोनों महापुरुषों के पावन सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न होना है, और आप सभी संतों से, भक्तों से, माता बहनों से मैं नम्र निवेदन करता हूं, जिसको समय मिल सके गढ़सिवनी में 3 जून दिन शुक्रवार को जाकर आप ऐसे संतों के दर्शन और विचारों से लाभ ले सकते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक निवेदन और मैं सुना देता हूँ कि हर महीना के पहला तारीख को यहाँ सत्संग होता है, उसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। दूसरी बात कि आगामी जुलाई में 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाया जाएगा, और गुरु पूर्णिमा का ही होना है कि एक दो दिन पहले होना है कि आगे पीछे, उसका विचार और 1 जून का जो भी है हमारे सत्संग समिति के भक्त और अब सभी लोग विचार करके अभी फाइनल करेंगे भोजन के बाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी कार्यक्रम अब पूजा होना है सभी संतों का, तो इसके पहले मैं सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ग्राम रीवा में भी कबीर जयंती का कार्यक्रम रखा गया है 5 तारीख को। तो मैं सभी यहाँ पर उपस्थित संतों से मेरा निवेदन है कि इस 5 तारीख को निमंत्रण स्वरूप स्वीकार करें, और रीवा में आप लोग का उपस्थिति प्रार्थनी है, साहेब बंदगी साहेब। और हमारे साध्वी जी आप लोग से भी निवेदन है, आप लोग भी 5 तारीख को रीवा में पधारें,
और हमारे जितने भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि रीवा में भी कबीर जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, पूज्य गुरुदेव जी और नयापारा आश्रम से गुरुदेव विचार साहेब जी और सभी संत यहाँ पर उपस्थित सभी रीवा में पधारेंगे, तो आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी रीवा में कबीर जयंती का भव्य कार्यक्रम के लिए आप लोग उपस्थिति अपना प्रदान करें, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। साहेब बंदगी साहेब, हाँ नेक्स्ट है 1 तारीख को ही, हाँ तो गुरु पूर्णिमा वाला बात नहीं, विचार कर।